ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, आज का दिन आपके लिए मंगलमय रहे, मेरी शुभकामनाएं आपको। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। लेक्चर 36, कमेंट 36, क्वेश्चन 36 आज हम शुरू करेंगे। और एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ऐसा कमेंट मैं बताने जा रहा हूं जो बड़ा ही आपको इंपॉर्टेंट लगेगा। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख दूं। व्हाट इज, बेटे क्वेश्चन है, आपने लिखा होगा, फिर भी मैं लिख रहा हूं। व्हाट इज रीफाइनेंसिंग? अब बेटे अगर आपको ये नहीं पता तो उस दिन जुगाड़ नहीं लग सकता। रीफाइनेंसिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए। मैंने आपका ये रीफाइनेंसिंग का कंसेप्ट सीएस की स्टडी और सीएस के प्रैक्टिस मैनुअल से ये क्वेश्चन लिया। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं प्रैक्टिस मैनुअल भी कवर कर रहा हूं, स्टडी मटेरियल भी कवर कर रहा हूं और पास्ट ईयर पेपर्स भी कवर कर रहा हूं, और टोटल मैंने 100 कंसेप्ट्स की रिकॉर्डिंग कर रहा, मतलब 100 क्लासेस आपको मिलने वाली है थ्योरी में के ऊपर, जिसमें शॉर्ट नोट्स, डिफरेंस बिटवीन कमेंट्स कवर्ड होंगे। पहले मैंने 50 सोचे थे, लेकिन मुझे लगा कि वो रिपीट ज्यादा हो रहे हैं बार बार, तो मैं उन रिपीटेशन को मैंने हटा दिया। तो बेटे अब मैं 100 लेक्चर्स आपको दे रहा हूं। माधुरी दीक्षित की एक मूवी आई थी 100 डेज, 100 थ्योरी कंसेप्ट्स, 100 डायग्राम्स। आइए जी, आइए एक बार देख लें आपने लिखा या नहीं। रीफाइनेंसिंग, मैंने क्वेश्चन 36 लिखा है। व्हाट इज रीफाइनेंसिंग? रीफाइनेंसिंग क्या होती है? व्हाट इज रीफाइनेंसिंग? आइए क्वेश्चन 36, मैंने दिसंबर 2014 लिख दिया, आप प्रैक्टिस मैनुअल लिख लीजिए। रीफाइनेंसिंग, पहले एक गाना आज सुनेंगे। मैडम बहुत दिनों से ये खड़ी हैं, कुछ कहना चाहती हैं, सुनिए जी जरा प्लीज, सुनिए। हिम्मत नहीं हारनी, सब कुछ बढ़िया होगा, पॉजिटिव सोचना है, आगे बढ़ना है। मैडम क्या कह रही, सुनो। सपने अपने होते, वाले हैं, विश्वास है, आसान है बेटे, थ्योरी भी आसान है, कमेंट्स आसान है, करके दिखाएंगे। एफएम की थ्योरी आसान है, स्टडी कवर्ड है, प्रैक्टिस मेमोरी कवर्ड है, पास्ट ईयर पेपर कवर्ड है। बेटे गिर गया तो क्या हुआ? गिरने के बाद उठना होता है बेटे। गिर गया तो क्या हुआ? हारा वही है जो उठा ही नहीं। तो बेटे आपने हिम्मत रखनी है, थ्योरी को करके जाना है। मेरी मेहनत 100 लेक्चर्स की आपने अपने साथ लेकर जानी है बेटे, इन्हीं 100 में से आपको थ्योरी आने वाली है। आइए रीफाइनेंसिंग का मैं एक कंसेप्ट आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं डीमोनेटाइजेशन का जमाना आ गया। नरेंद्र मोदी जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। आजकल बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंट्रल। अब बेटा ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि ये
फार्मर्स को, किसानों को कुछ खाद लेने के लिए, ट्रैक्टर परचेज करने के लिए, बीज सीड्स परचेज करने के लिए, दे वॉन्ट टू गिव फंड्स। बेटा ये फंड्स देना चाहते हैं। कौन देना चाहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके थ्रू ये ग्रामीण एरियाज में, पिछड़े इलाकों में बेटे कुछ मदद करना चाहते हैं, फंड्स देना चाहते हैं। अब बेटे ये चाह के भी डायरेक्टली इनके पास नहीं आ सकते क्योंकि इनका अपना नेटवर्क नहीं है। तो बेटे बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स, नबार्ड का नाम सुना होगा, नबार्ड, सिडबी, बेटे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स बना देती है और इनकी ड्यूटी लगाती है कि आप फार्मर्स को, आप क्रॉप, आप एग्रीकल्चरिस्ट को फंड दो, इनको मदद करो, इनका सीड के लिए पैसे दो, ट्रैक्टर के लिए दो। बेटे आपको पता है हमारे देश में एग्रीकल्चर अभी भी प्राइमरी सेक्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो बेटे आप ये बताइए कि कई बार पूरा रेनफॉल टाइम से नहीं होती तो बेटे बेटे कितनी फसलें खराब हो जाती हैं और फार्मर्स की पूरी फैमिली सुसाइड कर लेती है। तो बेटे जिस देश में एग्रीकल्चर स्ट्रांग है तो बेटे उस देश की जीडीपी बढ़ती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ऐसे बीच के बैंक्स ओपन करती है या कुछ ऐसी एजेंसीज ओपन करती है जिनको, जो जिनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो उन लोगों को जो बेनिफिशियरीज हैं, जो मेन बेनिफिशियरीज हैं, जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए उस तक पहुंचाते हैं वो फंड्स। तो बेटे मैं ये कह रहा हूं ये जो नबार्ड है ये तो लोन दे रहा है, ये सब्सिडी दे रहा है, ये हेल्प कर रहा है, ये फंड दे रहा है, लेकिन बेटे ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये जो नबार्ड को पैसा दे रही है, फंड दे रही है, फंड दे रही है, इसका नाम है रीफाइनेंसिंग। आराम से बेटे अगर लॉजिक समझ आ गया तो बेटे रीफाइनेंसिंग आपको रटना नहीं पड़ेगा, जबकि मैंने डायग्राम की बुक में इसके ऊपर काफी कुछ मेंशन किया है, अभी देखेंगे। बेटे मैं फिर रिपीट करता हूं, एक होता है फाइनेंस देना, जैसे पंजाब नेशनल बैंक डायरेक्टली अपोलो को दे रहा है, एक होता है पंजाब नेशनल बैंक की टैंकी कौन भर रहा है, गवर्नमेंट भर रही है। बेटे गवर्नमेंट को जब किसी को सब्सिडी देनी होती है, रिलीफ देनी होती है, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली अगर नहीं दे पाती तो बेटे वो क्या करते हैं ऐसी एजेंसीज बना देते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पहले उस एजेंसी को फंड देगी, ये एजेंसी उस फंड को वहां पर बेनिफिशियरीज तक पहुंचाएगी। जैसे आजकल आधार कार्ड का कंसेप्ट स्टार्ट हो गया, गवर्नमेंट की गैस के ऊपर जो सब्सिडी है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडियन ऑयल को सब्सिडी दे रही है, इंडियन ऑयल आगे ग्रामीण इलाकों में सब्सिडी दे रही है। तो बेटे मैं कहूंगा जो गवर्नमेंट इंडियन ऑयल को सब्सिडी दे रही है उसका नाम है रीफाइनेंसिंग। क्यों दी? क्योंकि वो इंडियन ऑयल आगे सब्सिडी दे पाए। तो बेटे इस कंसेप्ट को, इसको हम बोलते हैं कि हम आपको लोन नहीं दे रहे इंडियन ऑयल को, रीफाइनेंस हम इसलिए दे रहे हैं कि आप आगे दे दो। बेटे इसका नाम है रीफाइनेंसिंग। आइए हम एक आध बात जरूर लिखेंगे बेटे, फिर देखेंगे कि बुक में क्या लिखा हुआ। आइए बेटे मैंने स्लाइड आपके लिए पहले से ही प्रिपेयर कर दी, मैं क्या बताऊं कितना प्यार करता हूं आपको बेटे। मोटिवेशनल सॉन्ग्स पहले से सिलेक्ट करता हूं, स्लाइड्स पहले बनाता हूं, शॉर्ट नोट्स पहले देता हूं, और बेटे अलग अलग लेक्चर आप ही के लिए मैं अपलोड कर रहा हूं। प्लीज रजिस्टर खोल लें, अगर इतना सभी शर्म है ना थोड़ी सी तो रजिस्टर खोल लें। और रजिस्टर खोल के आप पहले क्वेश्चन 36 लिखें, भले आप लिख चुके हैं कोई बात नहीं बेटे, प्रैक्टिस मैनुअल, पास्ट ईयर पेपर्स, स्टडी मटेरियल से बाहर तो कुछ नहीं आएगा। मैंने 100 लेक्चर्स प्रिपेयर कर दिए, इन तीनों का मिश्रण कर दिया। तो देखिए बेटे व्हाट इज रीफाइनेंसिंग, स्टेट एटलीस्ट टू इंस्टीट्यूशंस,
विच ऑफर सच रीफाइनेंसिंग. लिखे बेटे लिखे, मेरे को अच्छा लगेगा बेटे. सीएस की स्टडी और सीएस का प्रैक्टिस मैनुअल. आज थोड़ी सी टाइट ठीक नहीं लग रही, कोई बात नहीं बेटे, कोई नहीं बेटे. मैं तो अपने आप को भूल गया हूँ आपके लेक्चर्स को रिकॉर्डिंग के चक्कर में. कोई बात नहीं बेटे, मुझे अच्छा लग रहा है. मैं आपको अपना समझ के, अपनी हॉबी समझ के कर रहा हूं. इसलिए कभी आपने मुझे थका हुआ देखा लेक्चर में? जबकि कुछ लेक्चर्स में लगातार कंटिन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूं. चलिए कोई दिक्कत नहीं है. आइए जी थोड़े से हिंट्स लिख लें. इट इज अ प्रोसेस. इट का मतलब क्या? रीफाइनेंसिंग. Refinancing is a process. बेटे ये एक process है by which a large financial institution, IDBI, IFCI, government, a large financial institution provides fund or reimburses fund to help development relief. बेटे कहीं अर्थक्वेक आ गया, बेटे कहीं सुनामी आ गया, बेटे कहीं साइक्लोन आ गया, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहां के लोकल बैंक्स को ये डायरेक्शन देती है कि आप वहां के लोकल एरियाज में मदद करो, हम आपको देंगे. तो गवर्नमेंट जो उनको दे रही है लोकल बैंक्स को, उसका नाम है रीफाइनेंस. और जो बैंक उनको दे रहा है वो फाइनेंस है बेटे. आइए बेटे प्लीज बी पॉइंट लिखें. रीफाइनेंसिंग, बी पॉइंट, रीफाइनेंसिंग एज द नेम इंडिकेट्स. बेटे री का मतलब क्या है? रीप्ले, दोबारा 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 दोबारा. रीफाइनेंसिंग एज द नेम इंडिकेट्स इज अ होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अ रिटेलिंग इंस्टीट्यूशन. लिखना है बेटे, लिखना है, मेहनत की है बेटे, लिखो. तो रीफाइनेंसिंग इज अ होलसेल फाइनेंसिंग ऑफ रिटेलिंग इंस्टीट्यूशंस. रीफाइनेंसिंग इज अ होलसेल फाइनेंसिंग टू अ रिटेलिंग इंस्टीट्यूशंस. सी पॉइंट. रीफाइनेंसिंग मोड इज ऑफन फॉलोड बाय गवर्नमेंट for providing funding to ultimate beneficiaries. Underline कर दें, to ultimate beneficiaries. Refinancing mode is followed by government for providing funding to ultimate beneficiaries. मैंने तो दो के नाम लिखे, नबार्ड. एक बच्चा कहता है फुल फॉर्म क्या है, लिख दी. नेशनल बैंक, नेशन का बैंक है. किसके लिए? फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब नबार्ड को पैसे देती है तो उसको बोलती है रीफाइनेंसिंग, क्योंकि वो पैसे नबार्ड को आगे देने के लिए दिए जा रहे हैं. नबार्ड के लिए नहीं है, नबार्ड आगे देगी. तो नबार्ड का फुल फॉर्म लिखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. सिडबी, नबार्ड, सब बच्चे लिखेंगे बेटे. रीफाइनेंसिंग आपके पेपर में शॉर्ट नोट आ सकता है, इसमें जुगाड़ नहीं चलेगा. आप लॉजिक समझ लें, हिंट्स लिख लें और डायग्राम की एक बार बुक में आ जाएं बेटे. वही 101 डायग्राम वाली, ये देखिए बेटे पेज 89, 108 डायग्राम
जो लगाएगा वो पाएगा 101 डायग्राम, 101 डायग्राम। आइए 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 101 डायग्राम आइए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज रीफाइनेंसिंग? रीफाइनेंसिंग इज अ प्रोसेस बाय विच लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन provides funds to reimburses to another institution to help development, relief or other similar causes. Highlight करें or other similar causes. तो बेटे आपको अब समझ आ गया कि refinancing का मतलब क्या होता है? आगे institutions which offer refinancing, NABARD, National Bank for Agriculture, National Bank for Agriculture and Rural Development, National Bank for Agriculture and Rural Development. तो बेटे प्लीज आपने रीफाइनेंसिंग का एक नोट, एक कमेंट प्रिपेयर करके जाना है, पेपर में आ सकता है। तो बेटे मैंने लास्ट लेक्चर में ब्रिज फाइनेंस की बात की थी, इस लेक्चर में रीफाइनेंसिंग की बातें कर रहा हूं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। बेटे बड़ी मेहनत है इसके पीछे। मिलते हैं बेटे, फिर मिलेंगे।